टुडे वी विल डू पॉलिनोमियल चैप्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। नाउ वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। यू हैव अ पॉलिनोमियल एंड दे से इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम, मतलब इसके साथ जो उन्होंने एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं। नाउ इन माई लास्ट लेक्चर जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था तो उसके अंदर जो वैल्यू थी मैंने आपको बताया था कि अगर वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है देन वी कैन से दैट दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम मेथड लगाएंगे हम इसके अंदर भी, क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, पुट करेंगे पी माइनस वन बाय थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन बाय थ्री प्लस वन। थ्री से थ्री आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एक्स इक्वल टू, सो एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इजी है ना। नाउ सेकेंड पार्ट सिमिलरली पुट करेंगे हम यहां पर, पुट एक्स इक्वल टू फोर बाय फाइव। नाउ पी 4 by 5 that is equal to 5 into x के जगह पुट करोगे 4 by 5 minus pi, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 minus pi की वैल्यू आप सोल्व भी कर सकते हो, pi को आप लिख सकते हो 22 by 7, 4 को लिखोगे 4 by 1, now 7, 7 4 जा 28 minus 22 that is equal to 6 by 7 which is not equal to 0, this implies x equal to 4 by 5 is not the zero of this polynomial. Okay, ये था हमारा first part and second part. चलिए ये है हमारा third part और ये हमारा fourth part. Put करते हैं value. Now px equal to x square minus one. अब आपके पास x की two value है, यानी आप इसको अलग अलग पुट करके चेक करोगे कि कौन सी इसकी zero है और कौन सी zero नहीं है। सबसे पहले मैं पुट करूंगी x equal to one. Now put x इक्वल टू वन, पुट करेंगे ये बनेगा p1 दैट इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस वन। वन स्क्वायर क्या होगा आपका, वन, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जो आपकी वन है वो तो जीरो है, वन इज द x इक्वल टू वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसे लेंगे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप क्या पुट करोगे, माइनस वन। नाउ पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन। नाउ पी माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर करोगे प्लस वन हो जाएगा, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन जो होगा ये भी क्या होगा आपका, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके बेटा, नाउ सेम फोर्थ पार्ट आपके पास है x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू टू। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस वन। नाउ p माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू, ये आपका बनेगा जीरो बन जाएगा और ये आपके पास बनेगा माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x माइनस वन क्या बन गई, जीरो बन गई। नाउ सॉरी, x इक्वल टू माइनस वन क्या बन गया आपका, जीरो बन गई। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू टू, जब आप टू पुट करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, टू प्लस वन टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू थ्री और ये आपका बनेगा जीरो। थ्री इंटू जीरो क्या बन जाएगा आपका, जीरो। इट मीन्स आपका जो x इक्वल टू माइनस वन है और x इक्वल टू टू दोनों ही इसकी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। सो यू राइट हियर x इक्वल टू माइनस वन एंड टू बोथ आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके बेटा, नाउ ये थे हमारे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी थर्ड का ही फिफ्थ सिक्स सेवन एंड एट पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।